Hello viewers, hi students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, thumbnail देखकर तो आप जान ही चुके होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसमें पाइप एंड टैंक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बच्चे को थोड़ा टफ भी लगता है. सो उस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. इसके अंदर आपके सीबीएसई की तरफ से जो लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन है पाइप और टैंक रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड है. सो बिना स्किप करके वीडियो को कंप्लीट करिए. ओके, फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स, जो आपके सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 35 है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक. सो इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपके पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है. ओके, सो इस पाइप से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है. वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर फ्लो होके जिसका डायमीटर आपके पास गिवन है, जिसका डायमीटर आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये है 2R1. सपोज के रेडियस को अगर हमने R1 मान ले तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2R1. तो 2R1 का वैल्यू आपके पास गिवन है. ये वाटर फ्लो होके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कप का सिलिंड्रिकल टैंक है, इस टैंक के अंदर. ओके, अब आगे रीड करो कि सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड. इसका रेडियस आपको पास गिवन है, ये जो आपका सिलिंड्रिकल टैंक है वो 40 सेंटीमीटर, ये R2 रेडियस आपके पास गिवन है. रेट क्या है, किस रेट से वाटर फ्लो हो रहा है, उसका रेट आपके पास गिवन है 0.7 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर. हाफ एन आवर दैट मीन्स 30 मिनट्स. ठीक है, 30 मिनट्स बाद कितना वाटर, देखो वाटर यहाँ से वाटर, ये जो पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होके कहाँ पे आ रहा है, टैंक में, टैंक के अंदर. सो 30 मिनट्स बाद सपोज यहाँ तक वाटर लेवल हो गया, ठीक है, यहाँ तक वाटर जम गया. सो आपका क्वेश्चन है क्या है, हाउ मच विल द वाटर राइज, कितना ऊपर तक जाएगा, दैट मीन्स ये जो हाइट है, ठीक है, इसका यहाँ से ये हाइट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, आपका इस चैप्टर का नेम क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सो ये सरफेस एरियाज के रिलेटेड क्वेश्चन है या वॉल्यूम्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले तो वो क्लियर हो जाओ आप. ठीक है, ये वॉल्यूम के रिलेटेड है क्योंकि वाटर का वॉल्यूम, जो वाटर फ्लो हो रहा है वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ पे क्या है कि वाटर, जो यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, क्या रेट का, इस रेट का मीनिंग क्या है. अब देखो एक सेकेंड में 0.7 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग है, एक सेकेंड में इतना मीटर वो वाटर फ्लो हो रहा था, दैट मीन्स स्टार्टिंग में यहाँ पे था, एक सेकेंड बाद मान लो वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ. ठीक है, वाटर यहाँ से आ रहा है एक सेकेंड तक, एक सेकेंड में यहाँ तक आया. ठीक है, वही कह रहे कि एक सेकेंड में ये 0.7 मीटर, इतना हाइट तक वाटर एक सेकेंड में आया. सो पहले हम देखो क्या फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम इन वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में जितना वाटर फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या है. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि 30 मिनट्स में जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या है. अब 30 मिनट्स में इस पाइप के थ्रू जितने भी, जितने वॉल्यूम के वाटर फ्लो होगा वही यहाँ पे आके जम जाएगा. ठीक है, सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एक सेकेंड में कितने वॉल्यूम के वाटर फ्लो हो रहे इस पाइप के थ्रू. सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है आपको, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है. यहाँ पे आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पाइप है, सो सिलेंड्रिकल पाइप में पाई आर स्क्वायर एच. आप देखो एक एक करके फाइंड आउट करते, सबसे पहले आपको आर चाहिए. सो आर क्या है यहाँ पे, फॉर पाइप, पहले पाइप के लिए निकाल लेते हैं. सो फॉर पाइप इसको हम R1 मान लिया, R1 इज इक्वल टू 2/2, ये डायमीटर है, सो 2/2 दैट मीन्स 1, ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, क्वेश्चन में गिवन है सेंटीमीटर में है, सो वेरी गुड, सेंटीमीटर हो गया. सो अब देखो अब एज चाहिए, ठीक है, ये जो हाइट क्या है,
पहले एट फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. सो 1 सेकेंड में हाइट क्या है, 1 सेकेंड में इतना हाइट तक वाटर आया, दैट मीन 0.7. ठीक है, सो लिखो वॉल्यूम. सबसे पहले यहाँ पे हाइट देखो, ये जो आपका रेट है 0.7 किसमें दिया है, 0.7 मीटर पर सेकेंड. सो ये मीटर में गिवन है, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो पहले हम चेंज कर लेते, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. सो लेंथ ऑफ वाटर, सो पहले लिखो लेंथ ऑफ वाटर, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जितना वाटर फ्लो हो रहा है उसका लेंथ क्या है, 0.7 मीटर. आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना. तो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए ये रूल आप बस याद रखना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. आपको मीटर से सेंटीमीटर यहाँ तक. सो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस आपको नीचे आना होगा. जितना प्लस नीचे आओगे उसको उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई. ऊपर जाओगे तो डिवाइड होगा. ओके, सो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया. पॉइंट हटा दो, 10 0 0, दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर. ओके, सो ये लेंथ हो गया. अब वॉल्यूम निकालो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. सो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम क्यों वाटर फ्लो होगा, पाई. आर का वैल्यू क्या है, एक बार लिख लो, पाई आर स्क्वायर. एच वन सपोज इज, ये जो हाइट है इसको हमने एच वन मान लिया. सो पाई का वैल्यू अभी पुट मत करो, आर का वैल्यू तो 1 है, सो 1 हो जाएगा. और एच 70, दैट मीन्स 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये 1 सेकेंड में. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 30 सेकेंड में, क्वेश्चन है हाफ हाफ एन आवर बाद कितना वाटर लेवल होगा. सो 30 सेकेंड में हम फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो देखो ऊपर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, सॉरी हाफ आवर, दैट मीन्स 30 मिनट. अब 30 मिनट को आपको सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेट क्या था, द मीटर पर सेकेंड. सो 30 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 30 मिनट इज इक्वल टू 30 × 60 इतना सेकेंड. सो वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आपका 1 सेकेंड में 70 पाई. सो इतना सेकेंड में 30 × 60 × 70 पाई. ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब. अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक हो गया. आप देखो, आप आगे आ जाओ. सो ये 30 मिनट में, दैट मीन्स हाफ एन आवर में जितना वॉल्यूम के वाटर आपका फ्लो हो गया, वही वॉल्यूम यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया. ठीक है, तो ये जो 30 मिनट्स में जो वॉल्यूम यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम होगा सिलिंड्रिकल टैंक का, वो तो सेम होगा. सो बाय द गिवन कंडीशन फिर क्या हो जाएगा, बाय द गिवन कंडीशन क्या हो गया बोलो, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, ये किसके साथ बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, या क्वेश्चन में जो आपको बताया था कि इन हाफ एन आवर. ठीक है, एक ही बात है, हाफ एन आवर. ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ, समझ में आया स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो. ओके, सो बस अब ये लिख दो कि तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक क्या होगा, सेम पाई, यहाँ पे हमने आर टू मान लिया, आर टू स्क्वायर, ये जो हाइट है यहाँ पे कैपिटल एच है, ये इज इक्वल टू क्या हो गया फिर,
यहाँ पे हमारे पास आ गया 30 × 60 × 75। यहाँ पे पाई का वैल्यू हमने इसलिए पुट नहीं करा क्योंकि पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बेकार में कैलकुलेशन लॉन्ग करके तो कोई फायदा नहीं। सो पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है इस टाइप में, यहाँ पे केसेस में पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको चाहिए कैपिटल एच का वैल्यू, कितने हाइट तक वाटर यहाँ पे राइज हो गया। सो 30, 60, 70 अपॉन यहाँ पे आर टू नीचे आएगा, आर टू का वैल्यू आपका 40 है, आर टू स्क्वायर दैट मीन्स 40 × 40। ओके, इतना सेंटीमीटर, हाइट मीन सेंटीमीटर। आप इसको आपको कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ रहा है वो आप हम चेक करते हैं। ठीक है, 0 0 0 0 चला गया, 2 से 2, 2 से 3 और कुछ यहाँ पे 2 से 35। ओके, और तो कुछ नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, सो 3 × 3, 3 × 35 अपॉन आपका ऊपर क्या है एक बार लिखो, 3, 3, 35 अपॉन 4 अपॉन 4। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 315 अपॉन 4 315 अपॉन 4 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 78.75 सेंटीमीटर। सो हाफ एन आवर 30 मिनट्स के बाद वाटर लेवल कितना राइज हो जाएगा, 78.75 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर फ्लोज एट द रेट 10 मीटर पर मिनट। वाटर फ्लोज एट द रेट 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ओके, साथ में मैं डायग्राम भी बना रही हूं, देखो। एक सिलिंड्रिकल पाइप है, सर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है। ये सिलिंड्रिकल पाइप, आपको यहाँ पे भी एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उसके थ्रू रेट क्या है, इस पे वाटर फ्लो होने का रेट है 10 मीटर। मीटर ये मिनट का इस तरह से, इसका मतलब क्या है, मीटर पर मिनट। ओके, 10 मीटर पर मिनट, सो ये आपका रेट है। दैट मीन्स एक मिनट में 10 मीटर हाइट का वाटर फ्लो हो रहा है। अब क्या है, सिलिंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो है 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में गिवन है। अगर इसको हम R1 मान लेते दैट मीन्स ये 2R1 है, डायमीटर आपके पास गिवन है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल, इसमें से वाटर फ्लो होके कॉनिकल वेसल के अंदर जा रहा है, इसको फिल करना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब कितना टाइम इसको लगेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल हुज डायमीटर आपके पास गिवन है, डायमीटर एट द बेस 40 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, सपोज इसको अगर हमने R2 मान लिया, सो 2R2 क्या है, 40 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर। डेप्थ का मीनिंग क्या है, ये जो हाइट है ये है आपके पास 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको फाइंड आउट करना है कि इस रेट में अगर वाटर फ्लो होगा तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि हाउ मच, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, तो ये फिल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो किस तरह से फाइंड आउट होता है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके पास होगा जहां पे आपके पास टाइम पूछेगा कि किसी के थ्रू किसी को आप भर रहे हो तो उसमें टाइम क्या लगेगा, सो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज आपको किस तरह से वो हम टाइम फाइंड आउट करते हैं, देखो कि टाइम इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है। अब जिस एक तो आपको ये पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो गया किसके अंदर, ये वाटर भर रहा है एक कॉनिकल वेसल के अंदर, मतलब जिसके अंदर वाटर, यहाँ पे वाटर आ रहा है उसका वॉल्यूम ऊपर होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो क्या है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे सिलिंड्रिकल है, नहीं कॉनिकल वेसल है, सो ये जो कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम ऊपर आएगा और जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है वो, दैट मीन्स सिलिंड्रिकल पाइप, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप उसका नीचे आएगा। कोई भी आपके पास किसी भी तरह के शेप हो, जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है वो ऑलवेज नीचे होगा, ठीक है, और जिसके अंदर वाटर भर रहे हो वो ऊपर होगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको करना है, कुछ नहीं है। वॉल्यूम एक बार आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल एक बार फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, बस उसको डिवाइड कर देना है, आपको जो टाइम है वो आपके पास आ जाएगा। तो देखो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। ओके सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या है एक बार यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ये जो डायमीटर है ये आपका 5 मिलीमीटर है। रेट क्या है, रेट है 10 मीटर पर मिनट है, और यहाँ पे आपका इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है, और डेप्थ क्या है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2R2 है, ये 2R1 है। अब देखो सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल क्या होगा बोलो। कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 1/3 πr². अब ये फॉर्मूला तो आपको सब अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है, कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वो आपको लर्न करना होगा। अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज आई बटन पे क्लिक करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखो वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr² यहाँ पे हमने R2 मान लिया, इस हाइट को हम H2 मान लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1/3 π का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे टाइम फाइंड आउट करने के वक्त, सो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सो पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। R2 आपके पास है, तो यहाँ पे 40 है डायमीटर, 10 मीन्स 20 हो जाएगा, 20 × 20, और ये आपके पास है 24 सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। अब फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, πr1² h1। ओके सो यहाँ पे भी पाई का वैल्यू फुट नहीं करेंगे, r1 ये मिलीमीटर में है, R1 5 मिलीमीटर में, तो चेंज करने के लिए आपको क्या होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बस एक ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो डिवाइड होगा, सो एक प्लेस ऊपर मतलब 10 से डिवाइड होगा, सो यहाँ पे 5 मिलीमीटर है, ये आपका डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2, 5/2 को और एक बार 10 से डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस फिर क्या हो जाएगा, 5/2 रेडियस हुआ मिलीमीटर में, अब उसको जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे और 10 से डिवाइड करके ये सेंटीमीटर में आ गया, इनटू हाइट। अब हाइट हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है ये जो रेट गिवन होता है कि इसका रेट फ्लो होने का रेट क्या है, 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतना 10 मीटर वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी ये देखो गिवन है मीटर में, सो आपको किस में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीन्स 2 प्लेस नीचे आना है, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर 2 प्लेस नीचे आओ, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 10 × 100, सो ये पूरा चेंज हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये स्टेप वैल्यू तो आपको सब गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट से सब डिफरेंस है, ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में, सबको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 5 यहाँ पे 5 2 10, दैट मीन्स 2 2 4 होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार होगा, 1/4 × 1/4 2 टाइम्स है, इंटू यहाँ पे क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर की। सो अब टाइमिंग क्या है, टाइम मीन्स क्या है, आपको मैंने बताया जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है वो नीचे होगा, और अब जिसके अंदर वो वाटर इकट्ठा हो रहा है वो ऊपर होगा, सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ऊपर तो इसका वॉल्यूम, सो यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, सो उसको मैं अब इरेज नहीं कर रही हूँ, बस नीचे इसके नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है,
जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, पाई इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000, पाई पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो ऊपर क्या क्या है, 1 20 20 24 20 20 24, नीचे 3। अब ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे क्या है 4 4, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर में जो है वो यहाँ पे नीचे आएगा, दैट मीन्स 1000, 1 1 तो ऑलरेडी है। अब इसको कैलकुलेट करो, 0 0 0 0 चला गया। और कुछ नंबर आपके क्या क्या होगा बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेशन और क्या होगा, 3 से चला जाएगा, 3 8 3 8 24, ठीक है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 10 है, ऊपर 2 into 2 4 4, यहाँ पे into 4 into 4 into 8, सब नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 512, ओके 512 512। सो इतना मिनट में आ गया, इतना मिनट, ये तो आंसर आ गया, लेकिन इसको और अच्छे से कितना मिनट कितना सेकंड अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको आपको डिवाइड करना होगा। 10 से डिवाइड करो, 512, 10 5 50 12 10 10 1 12 है, सो 10 2, सो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 51, 2 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ गया, सो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ये अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/5, इतना मिनट। सो इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि 51 + 1/5, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सो दैट मीन्स 51 मिनट और 1/5 मिनट, ये तो 51 मिनट सही है। अब ये मिनट सही नहीं लग रहा तो उसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं कि इतना मिनट इतना सेकंड, तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बोलो, सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 1/5 × 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो ये सेकेंड में चेंज हो गया, 5 से 12, सो आंसर आ गया आपका 50 मिनट 12 सेकेंड, ओके ये आपका फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड।